हेलो स्टूडेंट्स, तो देखें आज हम लोग आपको दिखाने वाले हैं, आपको टूर करवाने वाले हैं हमारे ऑफलाइन क्लासेस का और ऑफलाइन क्लासरूम सेंटर का। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा ऑफलाइन क्लासरूम सेंटर है और ये जो आपको बिल्डिंग दिख रही है इसी में पूरा हॉस्टल भी है। तो इसी के जस्ट पीछे आप देखेंगे बहुत बड़ा हॉस्टल है, उसके रूम्स वगैरह कैसे वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये स्टार्ट करते हैं क्लासरूम टूर के साथ और आपको दिखाते हैं कि कैसे हम लोग यहाँ पर काम करते हैं और कैसे हम लोग ने तैयारी की है आप लोगों के आने के लिए ऑफलाइन क्लासेस में। तो फिर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लासरूम टूर के साथ और देखें ये हमारा क्लासरूम है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ और इस क्लास में अभी मनोज सर पढ़ा रहे हैं। तो काम करते हैं, मनोज सर को परेशान करें। सर हम आपको डिस्टर्ब करने आ गए। तो भाई देखिए ये हमारा क्लासरूम है और जैसा कि आप देख सकते हैं इस क्लासरूम को हमने आपके लिए बिल्कुल पूरी तरह से तैयार कर लिया है। वैसे इस क्लास की कैपेसिटी मोर देन 100 स्टूडेंट्स हैं लेकिन कोविड गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए हम लोगों ने अभी इसको हाफ कैपेसिटी के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा सेटअप है, हमारा कोई सीक्रेट रूम नहीं है, हमारे पास यही रूम्स हैं। और ये ग्रीन बोर्ड है, ये स्मार्ट बोर्ड है, दोनों कैलकुलेशन आप देख रहे हैं मनोज सर कैसे कर रहे हैं। क्वेश्चंस हो गए, थियरी हो गई, जो भी चीजें आपको हमें दिखानी होती है, वीडियोस हो गए या फिर कोई भी एनिमेशन है या कोई भी इंफॉर्मेटिव चीजें हैं वो सारी आपके स्मार्ट बोर्ड पे आती है। और जो रियल टीचिंग होती है जहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं, थ्योरी आपको सिखानी होती है ना, डिस्कशन होता है, वो सारा इस ग्रीन बोर्ड पर होता है। तो आई होप आप लोगों को हमारा सेटअप बहुत पसंद आएगा और बिल्कुल। सर थक गए अब बिना स्टूडेंट्स के, हाँ बिना स्टूडेंट्स के, मतलब मैं पिछले 2-3 दिन पहले भी सोच रहा था कि वो दिन थे जब एक क्लास में 200-250 स्टूडेंट बैठा करते थे और हम पढ़ाते थे और बड़ा मजा आता था। बिल्कुल, वो जो मॉनिटरिंग होती है। अबे तू कल क्लास क्यों नहीं आया? हाँ बिल्कुल। तो आप एक बार क्लास टूर ले सकते हैं, बहुत ही मजा आने वाला है। ऑफलाइन आप सभी का इंतजार कर रहे हैं भाई। बिल्कुल। तो आपने जो पहली बिल्डिंग हमारी देखी थी वो हमारी एकेडमिक बिल्डिंग थी जहाँ पे आपकी मेनली क्लासेस लगती है और सारा एकेडमिक वर्क वहाँ पे होता है। लेकिन ये हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है जहाँ से सारा प्रोडक्शन वर्क, मटेरियल डेवलपमेंट, वीडियो प्रोडक्शन, हर एक जो एडमिनिस्ट्रेटिव चीज होती है वो हमारी इस बिल्डिंग से होती है। तो ये टूर करवाता हूँ मैं आपको इस बिल्डिंग का और दिखाता हूँ कि कैसे हम लोग यहाँ पर काम करते हैं।
आइए विजिट करते हैं उस डिपार्टमेंट को जहां पर हमारे लेक्चर्स प्रोसेस होते हैं और प्रोड्यूस होकर वो आपके पास पहुंचते हैं। ये हमारा वीडियो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जहां पर सारा लेक्चर एडिटिंग का और प्रोसेसिंग का काम होता है। आइए विजिट करते हैं इसे। तो देखिए सभी लोग यहां पे अपने काम में लगे हुए हैं और आपके फेवरेट टीचर्स के लेक्चर्स यहीं पर आकर एडिट होते हैं और फिर वो आपके पास पहुंचते हैं। तो देखिए यहां पे चल रही आपके लेक्चर्स की एडिटिंग आप देख सकते हैं। यहां पर मनोज शर्मा सर का लेक्चर एडिट हो रहा है जो उन्होंने आज रिकॉर्ड किया था और ये बहुत जल्दी आपके पास पहुंच जाएगा। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं, यहां देखें आपके फेवरेट निपुण मित्तल सर का लेक्चर यहां पे एडिट हो रहा है। जो भी करेक्शंस वगैरह हैं, कलर करेक्शंस हो गया है ना, क्लियरिंग हो गई, वो सब चीजें यहां पर हो रही है। इधर आकांक्षा मैम का वीडियो एडिट हो रहा है, ये वीडियो रेंडरिंग प्रोसेस के अंदर है, उसे एक्सपोर्ट होकर ये रेंडर होना है। तो देखिए इसी तरह यहाँ पर आपका एक और वीडियो एडिट हो रहा है जो कि जेत सर का वीडियो है और आप देख सकते हैं जेत सर यहाँ पे कुछ पढ़ा रहे हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा रहे हैं और बहुत ही जल्दी आपके पास भी ये लेक्चर पहुंचने वाला है। इस तरह से यहाँ पे देखें एस वाई सर आपको रोटेशन सिखा रहे हैं, रोटेशन। तो बेसिकली ये हमारा वीडियो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और यहाँ पर सारा प्रोसेसिंग का काम होता है। जो भी इश्यूज होते हैं, लेक्चर एडिटिंग होती है, वो सारा काम यहीं पर होता है। वीडियोस एडिट होने के बाद हमारा आता है बर्निंग और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और उसके साथ साथ ये लोग आपको प्रोडक्ट पैकेज करके भी देते हैं। लेकिन हमारे पास एक बहुत वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट होती है। तो जैसा आप लोगों ने देखा है आपके पास ऑनलाइन लेक्चर्स तो हैं जो आप इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, हम लोग वीडियो ऑन डिमांड बोलते हैं। लेकिन उसी के साथ साथ रिमोट एरियाज में, ऐसे एरियाज जहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होती है, हमारे पास तीन और प्रोडक्ट हैं। एक है पेन ड्राइव, दूसरा है टैबलेट और तीसरा है लैपटॉप। तो मैं मिलवाता हूँ आपको अजहर भाई से जो एक्चुअली इस पूरे डिपार्टमेंट को हैंडल करते हैं। तो अजहर भाई हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्ट हैं? टैबलेट है, टैबलेट है, यूएसबी और लैपटॉप। तो आप हमें पेन ड्राइव दिखाओगे? देखिए ये यूएसबी प्रोडक्ट है आपका, या पेन ड्राइव से बोल सकते हो। तो आपने जो भी कोर्स के लेक्चर आपने सेलेक्ट किए हैं, जो आप पढ़ना चाहते हो, वो पूरे लेक्चर इस पेन ड्राइव के अंदर प्री इंस्टॉल्ड होते हैं और बिना इंटरनेट कनेक्शन के आप इस पेन ड्राइव के थ्रू उन लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं। जो हमारा दूसरा प्रोडक्ट है ये टैबलेट है, ये सैमसंग का टैब ए है। ये टैब अलॉन्ग विद लेक्चर्स आप ही का रहता है, हमेशा के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। इसमें भी प्री इंस्टॉल्ड लेक्चर्स होते हैं और आपको इनको एक्सेस करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं होती। जो हमारा थर्ड प्रोडक्ट है वो आपके लिए लाइफ टाइम का प्रोडक्ट होता है, क्योंकि भाई आप यहाँ के बाद कॉलेज पहुंचेंगे तो कॉलेज में आपको लैपटॉप की जरूरत तो पड़ती पड़ती है। तो ये हमारा तीसरा प्रोडक्ट है, ये लेनोवो का लैपटॉप है, ठीक है, जिसके अंदर प्री इंस्टॉल्ड लेक्चर्स होते हैं और लेक्चर्स कवर करने के बाद, सेलेक्ट होने के बाद ये लैपटॉप आप ही का रहता है। तो पूरे चार साल कॉलेज में आप इसे यूज कर सकते हैं और उसके बाद तो फिर आप अपना प्रोडक्ट खुद ही खरीदोगे, अपना लैपटॉप खुद खरीद सकते हैं। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट हैं। उसी के साथ साथ यहीं से हमारे जो DLPs हैं, ठीक है, ये जो हमारा स्टडी मटेरियल है, ये पैकेज होके यहीं से जाता है। तो जो भी आप ऑर्डर करते हैं वेबसाइट पर या हमारी टेलीकॉलिंग टीम के थ्रू, उसकी सारी पैकेजिंग यहीं से होकर जाती है। तो ये था हमारा बर्निंग एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो ये है हमारा स्मार्ट लर्निंग सेंटर, जैसा कि आप देख सकते हैं। स्मार्ट लर्निंग सेंटर में आप यहाँ पर बैठकर अपने लेक्चर्स को कवर कर सकते हैं। अगर आपको कोई लेक्चर छूट गया है तो वो आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। कोटा में ऑफलाइन सेंटर के साथ साथ हमारा उसी के अंदर इनबिल्ट ये स्मार्ट लर्निंग सेंटर है। तो आप चाहे कहीं पर भी प्रेजेंट हो, लेकिन आप यहाँ पर आकर अपने लेक्चर जरूर कवर कर सकते हैं। दिखाता हूँ मैं आपको स्मार्ट लर्निंग सेंटर कैसा है और ये कैसे काम करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ स्टूडेंट्स अभी भी बैठ के यहाँ पे पढ़ रहे हैं, इन्होंने इनका एक्सेस लिया हुआ है, इसका मंथली एक्सेस होता है। ठीक है, जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं उनको हम लोग फैसिलिटी देते हैं, जब उनके लेक्चर अगर मिस हो गए तो वो हमसे परमिशन लेके यहाँ पे आके कवर कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर आप मंथली बिना किसी इंटरनेट कनेक्शन के आपको बैठ कर यहाँ पर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स पहले से यहाँ पर बैठ कर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। तो अब मैं दिखाता हूं आपको हमारा टेलीकॉलिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट, जिनके जिनसे आप बात करके लेक्चर्स की डिटेल लेते हैं, आप अपने ऑर्डर परचेस करते हैं, कैसे वो लोग काम करते हैं, हर डिटेल जो आपको चाहिए होती है कोर्स को लेकर, वो सारी डिटेल्स आपको इस डिपार्टमेंट से मिलती है। तो ये विजिट करते हैं इस डिपार्टमेंट को। तो अब मैं आपको लेकर चल रहा हूँ उस डिपार्टमेंट की तरफ जहां से आपको सारा स्टडी मटेरियल का सपोर्ट मिलता है। जो भी PPTs हम लोग यूज करते हैं, जो भी DPPs आप तक पहुंचती है, शीट आप तक पहुंचती है, क्वेश्चन बैंक, टेस्ट,
सारा का सारा प्रोड्यूस होता है इस डिपार्टमेंट से। ये हमारा कंटेंट एंड पब्लिशिंग डिपार्टमेंट जो कि इन सारी चीजों को हैंडल करता है, ये विजिट करते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा काम चल रहा है, जैसे ये आप यहाँ पर देखें ये पीपीटी तैयार हो रही है, ठीक है। इस तरह से पहले आपकी जो पीपीटी आप यूज करते हैं बहुत रिफाइन तरीके से यहाँ पे तैयार होती है। उसी के साथ साथ देखें आपकी क्वेश्चन बैंक, डीपीपीज और शीट का काम यहाँ पर चल रहा है। तो इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कुछ और चीजें जो इस ये पूरा डिपार्टमेंट हैंडल करता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपकी शीट डेवलप हुई है, वो शीट की प्रूफ रीडिंग चल रही है कि इसमें कोई मिस्टेक तो है या फिर मिस्टेक वगैरह तो नहीं है। देखो मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ, जो लेक्चर का क्वालिटी कंट्रोल होता है वो हम लोग कैसे करते हैं। तो आइए देखें, यहाँ पर ये हमारे विपिन सर हैं जो मनोज सर के लेक्चर को मॉनिटर कर रहे हैं कि कहीं पे कोई इशू तो नहीं है, ताकि आप लोगों तक जब ये लेक्चर पहुंचे आप लोगों को कोई भी इसमें प्रॉब्लम ना हो, है ना। आप लोगों की पूरी सुविधा का ध्यान रखा जाता है यहाँ पर। इसी के साथ साथ देखें, आपको बताइए टाइम सेवर कोर्स लॉन्च होने वाला है। ये टाइम सेवर कोर्स का जो प्लानर है वो फाइनलाइज हुआ है, इसकी चेकिंग हो रही है कि इसमें कोई प्रिंटिंग मिस्टेक ना रहेगी, कोई कुछ भी इशू ना रहेगा, उसको रिजॉल्व कर दिया जाएगा जैसे ऐसा होगा। ऐसे ही ये देखें, ये हमारा CRM है जहाँ पर लेक्चर्स अपलोड होने के बाद उसकी मॉनिटरिंग होती है कि प्रॉपरली लेक्चर्स अपलोड हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं, ताकि आप लोगों को इशू नहीं है कि लेक्चर अपलोड होने के बाद नहीं चल रहा है। तो सारे क्वालिटी चेक्स यहाँ पर होते हैं। इसी के साथ साथ आपको पता है हमारे पास डाउट क्लिनिक की फैसिलिटी, आप वेबसाइट के ऊपर जाकर फ्री में डाउट्स अपने पोस्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। ये उसी का प्रोसेस चल रहा है, किसी स्टूडेंट ने डाउट पोस्ट किया है और मैम अभी इस डाउट को सॉल्व कर रही है और फिर इसका सोल्यूशन आपको वेबसाइट पे पोस्ट कर दिया जाएगा। तो ये था E2's India का क्लासरूम टूर और कैसे हम लोग काम करते हैं, कैसे ये हाई क्वालिटी कंटेंट आप तक डिलीवर होता है स्टेजेस के अंदर, ये आपने देखा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत 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 पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।